इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है सीधे झारखंड से, जहां मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के करीबी के पास AK-47 बरामद हुई है। सीएम हेमंत सोरेन के करीबी प्रेम प्रकाश के यहां ईडी की छापेमारी में 2 AK-47 बरामद हुई है। बताया जा रहा है कि प्रेम प्रकाश सीएम सोरेन का करीबी है। ईडी गुरुवार सुबह रांची में प्रेम प्रकाश उर्फ पीपी के ऑफिस सहित रांची के 12 और झारखंड के कुल 18 जगहों पर छापे मारे। इस मामले पर भाजपा का बड़ा बयान सामने आया है कि यह मामला काफी गंभीर है, इसकी जांच एनआईए से कराई जानी चाहिए। हथियार को अलमारी में छिपाकर रखा गया था। प्रेम प्रकाश के घर से अन्य हथियार भी मिले हैं। जांच एजेंसी हथियारों के बारे में और जानकारी जुटा रही है। AK-47 राइफल भारत में प्रतिबंधित है। सवाल उठ रहा है कि ये घातक राइफल किस मकसद से घर में रखा गया था। इस मामले ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। अवैध खनन मामले में ईडी गुरुवार सुबह से करीब 17 ठिकानों पर छापेमारी हुई है। ये छापेमारी पंकज मिश्रा की गिरफ्तारी में की गई पूछताछ के बाद की गई है। फिलहाल ये मामला अब अवैध खनन से अब सीधा प्रतिबंधित हथियार की तरफ ज्यादा तूल पकड़ चुका है। इस जानकारी को अब तक पहुंचाया हमारे साथी मुकेश दक्ष ने। मैं श्रुति मिश्रा, नमस्कार।